हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है इस फर्स्ट वीक की, जनवरी की और इस साल की। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये साल आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आया है। मैसेजेस फॉर जमनाय। Two of challenges, three of bones, the huntsman, ace of bones, and five of bones. Okay. तो हमारे पास कार्ड है द हंट्समैन का। हंट्समैन का कार्ड आपसे कह रहा है कि फोकस्ड रहिए उस पर जो आपको चाहिए, या फोकस्ड रहिए उन चीजों पर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को चेज करें या इस पर्सन को ओवरवेल्म करें या इन्हें मैसेज करें या किसी तरीके से अप्रोच करें। अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और बातें सही चल रही है, यानी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है आप दोनों के बीच में, तो यकीनन ये वक्त है बहुत सारी खुशियों का। एस ऑफ बोन्स के साथ आपको ये रिंग मिलेगी या आपको ये कमिटमेंट मिलेगी। यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो आपको मिले, क्योंकि फाइव ऑफ बोन्स के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। ये देख रहे हैं ये कार्ड कैसा कोल्ड और डार्क है और आप हेल्पलेस से नजर आ रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपसे ये शो कर रहा है कि आपका बुरा दौर खत्म हो चुका है, आपके स्ट्रगल्स, आपके जितना दर्द आसान नहीं होता हैंडल करना, आप एक बहुत रफ सिचुएशन से गुजरे हैं एंड अब आपको जरूरत है खुद पे फोकस करने की, उन चीजों पे फोकस करने की जो आप चाहते हैं, एंड हंट्समैन उसी के बारे में है। ओके तो जरूरी नहीं कि आप इस रिलेशनशिप पे फोकस करें या इस पर्सन पे हद से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है तो एस ऑफ बोन्स के साथ आपको वो कमिटमेंट मिले जाएगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या अगर आपके रिलेशनशिप में टेंशन चल रही है, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पे जो आपको चाहिए। और एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप खुद को नेगेटिविटी से दूर करें और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए सेटल ना करें जो आपके लायक नहीं है या जो आपके काबिल नहीं है। तो हंट्समैन आपसे कह रहा है टारगेट कीजिए उन चीज़ों को जो आपके लाइफ को बेहतर बनाएंगी, जो आपको टॉक्सिसिटी से निकाले, जो आपके लाइफ में उजाला लेके आए। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा। इस वीक में आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसको देख के आप सोचेंगे कि ओ ये पर्सन तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए एंड ये रिलेशनशिप इससे बेहतर नहीं हो सकता था। थ्री ऑफ बोन्स का भी कार्ड है यहाँ पे। थ्री ऑफ बोन्स के साथ बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं जो आप देख नहीं सकते, आपके पीठ पीछे हो रहे हैं एंड ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी डिस्कस कर रहा है उन लोगों से जो इनके क्लोज हैं। ओके एंड इन्हें लगता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। आपका जो पर्सन है वो सीरियसली इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है कि क्या आप दोनों साथ हो सकते हैं या क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में होगा। टू ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन इस मिरर में देख रहा है खुद को एंड उन्हें लगता है कि लाइफ जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है, वो भी बहुत चेंज हो चुके हैं, उन्हें अपने अंदर ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं। जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हुए हैं उनके अंदर बदलाव, वो उन्हें अच्छे लग रहे हैं। ये कार्ड आपके बारे में भी है, आपको खुद को देखना चाहिए एक बार, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और या फिर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आपको डेफिनेटली खुद को एक बार देखना चाहिए, खुद के वैल्यू को समझना चाहिए एंड ये समझना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं और किस चीज़ के लिए आपको सेटल करना चाहिए। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या 2023 की ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और द वाइज वुमन, सीकर ऑफ बोन्स, द फेयरी वेंट, द फोर्ज एंड टू ऑफ स्पेल्स। तो हमारे पास कार्ड है द वाइज वुमन का। वाइज वुमन के साथ वक्त है आगे बढ़ने का एंड वाइज वुमन है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो काफी समझदार है और जो अपने इंट्यूशन के थ्रू भविष्य, आपका भविष्य देख सकता है एंड जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। या आपके परिवार में कोई हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो आपको जो कहेगा वो सही होगा। ओके, जो प्रेडिक्ट करेगा वो सही होगा एंड ये पर्सन आपके कोई बहुत क्लोज भी हो सकता है एंड आप देखते आ रहे होंगे कि ये अब तक जो भी कहते आए हैं वो सही होता आया है। तो ये पर्सन एक तरीके से गाइड है आपका एंड यूनिवर्स ने इन्हें आपको गाइड करने के लिए भेजा है। तो डेफिनेटली आपको इस वाइज वुमन को सुनना चाहिए। वाइज वुमन आपके अपने विजडम के भी बारे में है जो आपके अंदर है, आपका मैच्योर साइड, आपका वाइज साइड जो क्लियरली सोच सकता है एंड क्रिएट कर सकता है वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। यहाँ पे सीकर ऑफ बोन्स के साथ जो बोन अभी तक आप खोज रहे थे, जो ब्लेसिंग अभी तक आप खोज रहे थे, वो ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। आपको पहुंचने में कुछ वक्त लग सकता है पर आप उस तक पहुंच ही जाएंगे। द फेरी वेंट के साथ यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते चल रहा है। ओके, आपको पता हो चाहे ना पता हो, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। आपको कदम कदम पे ऐसे मैसेजेस या ऐसी चीजें होती रहेंगी जो आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में मोड़ देंगी। ओके, एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे चले हैं, इसमें कोई डर की बात नहीं है। द फोर्ज के साथ बहुत कुछ आपको मोल्ड करना है। मोल्ड होने का मतलब कई सारी चीजें चेंज होंगी, दोबारा शेप लेंगी और वो आपके फ्यूचर को एक बेहतर तरीके से कह सकते हैं हैंडल करेंगी या शेप करेंगी। यानी आपके हायर सेल्फ ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं एंड आपसे ज्यादा चिंतित वो हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपसे ज्यादा चिंतित हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा होगा इस बारे में एंड वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं। पेशेंटली वेट कीजिए क्योंकि टू ऑफ स्पेल्स के साथ जल्दी ही आप स्पार्क देखेंगे, जल्दी ही आप चेंज देखेंगे, जल्दी ही आप वो सब कुछ देखेंगे जो आप देखना चाहते थे। थोड़ा वक्त लग सकता है पर सब चीजें बिल्कुल सही वक्त पे हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप वो करने के लिए फ्री हैं जो आप चूज कर रहे हैं। आप जो करेंगे स्पिरिट गार्ड आपका साथ देगा। स्पिरिट गार्ड आपसे कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, आपका जो मन है आप करो, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा एंड मैं देखूंगा कि आगे कैसे चीजों को ले जाना है। ओके, तो आपकी स्पिरिट आपको ये फ्रीडम दे रही है। तो ये थी रीडिंग फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।